अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इब्राहिम खान एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इससे पहले लेक्चर में हमने अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालना सीखी कि किसी भी इक्वेशन को सम किए बगैर या वैल्यू को सॉल्व किए बगैर आप उसकी प्रोडक्ट और सम कैसे निकाल सकते हैं। आज के लेक्चर में हम उसको थोड़ा सा एडवांस देखेंगे कि किसी भी वैल्यू की फार्मूला कैसे निकलती है और वो वैल्यू बराबर कैसे होती है। लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ बता दूँ, प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्फा एंड बीटा। देखिए, आपके पास जो फार्मूला होता है अल्फा और बीटा, जैसे सिंपल अगर मैं आपको बोलूं कि आप a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालें तो आप इसको कैसे निकालेंगे, इसका फार्मूला आपको मालूम है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। लेकिन अगर मैं यहां पर ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर यहीं रहने दूं तो ये दोनों जब यहां पर रह जाएंगे, ये प्लस का था टू ए बी, अब ये यहाँ पे प्लस का नहीं बल्कि माइनस टू ए बी रह जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जहाँ पर ए और बी दोनों के ऊपर स्क्वायर आ जाए तो उसका फार्मूला क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी। इस फार्मूले को देखते हुए मैंने अल्फा और बीटा की वैल्यू फार्मूला जो बनाया है वो कुछ इस तरह है कि अगर आपके पास एक अल्फा स्क्वायर आ जाए और प्लस बीटा स्क्वायर आ जाए तो ये फार्मूला बराबर होगा, ये फार्मूला बराबर है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी, मतलब टू अल्फा बीटा। यहाँ पर इतना ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग फार्मूला बन गया कि जिसमें आपके पास ए प्लस बी की वैल्यू भी आ गई और ए बी की वैल्यू भी आ गई। आप देखें, मैंने दो चीज़ें निकाली है वो मैं आपको बता दूँ। हमने सिर्फ इस सवाल में दो चीज़ें निकाली, एक है अल्फा प्लस बीटा और एक है अल्फा बीटा, ये दोनों चीज़ें हमने निकाली है। अब अगर ये दोनों चीज़ें सवाल में होगी तो हम सवाल को सॉल्व कर सकेंगे, वरना हम सवाल सॉल्व नहीं कर सकेंगे। जैसे अभी आपके पास एक सवाल है कि पहला सवाल फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब अल्फा क्यूब बीटा प्लस बीटा क्यूब अल्फा, इसको आप सॉल्व करो। इसको सॉल्व करने के लिए मेरे पास एक पैटर्न होगा जो मैं कोशिश करूँगा कि मैं अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर निकालूं। तो दोनों में स्क्वायर निकालने के लिए बेहतरीन काम यह है कि इन दोनों में से एक अल्फा और एक बीटा बाहर निकाल दें, क्योंकि जब एक अल्फा और एक बीटा बाहर निकालेंगे, यहाँ पर पहले अल्फा कितने थे, तीन, अब कितने रह गए हैं, दो, बीच में क्या है, प्लस। यहाँ पर बी कितने थे, तीन, एक बाहर आ गए और कितने रह गए, अंदर दो। अब मेरे पास ये फार्मूला बन गया, कौन सा फार्मूला, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसकी जगह अब मैं ये लिख सकता हूँ कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा, और इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या आ रहा है, वो आ रहा है आपके पास अल्फा और बीटा। अब ये वो क्वेश्चन बन गया जिसमें मेरे पास ए प्लस बी भी मौजूद है और ए बी भी मौजूद है। तो इससे मैं अब a प्लस बी और ए बी की वैल्यू आराम से निकाल सकता हूँ। आपको मैंने बताया था कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है माइनस सी और a, और अल्फा बीटा को मल्टीप्लाई करने को माइनस बी और a, और अल्फा बीटा को मल्टीप्लाई करने के c और a। तो जहाँ पर अल्फा प्लस बीटा होगा वहाँ मैं माइनस बी और a पुट कर सकता हूँ, एक ये रहा, और एक ये है कि जहाँ पर अल्फा और बीटा होगा वहाँ पर मैं सी और ए पुट कर सकता हूँ। तो अब इसमें वैल्यू पुट करते देखते हैं कि इसमें इसकी वैल्यू क्या आती है, अल्फा बीटा मल्टीप्लाई के वैल्यू क्या है, सी और ए, अल्फा प्लस बीटा का प्लस करना सम, उसकी वैल्यू क्या है, माइनस बी और ए। तो इसकी जगह मैं माइनस बी और ए लिख सकता हूँ, माइनस बी और ए, और इसके ऊपर क्या आ गया, स्क्वायर, माइनस टू ए बी, फिर मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई की वैल्यू हमने क्या निकाली है, सी ओवर ए, ये वैल्यू आ गई। अब अगर मैं इसको मज़ीद सॉल्व करना चाहूँ तो कैसे सॉल्व करूँगा, सी ओवर ए, यहाँ पर माइनस माइनस स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा, और बी का स्क्वायर नीचे क्या है, ए का स्क्वायर, माइनस टू सी, टू सी को मल्टीप्लाई करूँगा टू सी, और नीचे क्या आएगा, ए, ये आ गया। अब इसको मज़ीद सॉल्व कर देते कि सी ए अपनी जगह, सी ए अपनी जगह, ये आ गई, और इसके साथ बी स्क्वायर टू ए सी, लेकिन दोनों में ए और ए स्क्वायर
नीचे डिनोमिनेटर में, तो दोनों में से मैं हाईएस्ट पावर ले लेता हूँ, हाईएस्ट पावर यहाँ कितनी है 2, तो वो आपका क्या बन जाएगा एलसीएम। अब इसके तरीके क्या होता है कि नीचे वाली वैल्यू को नीचे से डिवाइड करें, जो आंसर आएगा उसको ऊपर मल्टीप्लाई करें। ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से डिवाइड करूँगा, ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा 1, 1 को जब ऊपर बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या देगा 1, बीच में माइनस। ए को ए स्क्वायर से डिवाइड करूंगा क्या आएगा, जब मैं ए को ए स्क्वायर से, यहाँ पर ऊपर ए है 1 और नीचे है 2, तो नीचे 1 ए बच जाएगा, वही नीचे वाला 1 ए जब मैं ऊपर 2 सी से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास रिजल्ट आएगा 2 ए सी, सही है। अब क्या है कि सी ओवर ए इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा, अब ये इसके साथ कुछ नहीं हो सकता, तो ये सी दोनों के साथ मल्टीप्लाई में लिख दो, वही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे अब इसको मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ, एक स्टेप बढ़ा देता हूँ कि सी को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लो तो आएगा बी सी स्क्वायर और बी स्क्वायर सी, और माइनस 2 ए को जब सी और सी से मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा 2 सी, मतलब 2 सी स्क्वायर, और नीचे क्या है ए को जब ए सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा मेरे पास आंसर आएगा ए क्यूब। तो ये वो वैल्यू है जो किसी भी अल्फा प्लस बीटा को प्लस करके या मल्टीप्लाई करके आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि वैल्यू इस फॉर्म में नहीं हो, वैल्यू या तो ए प्लस बी में हो और या तो ए बी में हो, या ए प्लस बी में हो और या ए बी में हो, इसकी हमने वैल्यू निकाल दी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ताकि आपके कंसेप्ट और थोड़ा सा क्लियर हो जाए, ये समझ आ गया। चलिए एक और सवाल देख लेते हैं, आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है ताकि आपसे कोई भी क्वेश्चन कंसेप्ट रह ना जाए, कंसेप्ट रह जाएगा तो पीछे मसला हो जाएगा आपको, तो हर सवाल की प्रैक्टिस करनी लाजमी है। जैसे आप मेरे पास एक और सवाल है, मैं देख लेता हूँ कि एक सवाल ये है कि आप बताओ a माइनस बी का होल स्क्वायर, अब ये फार्मूला कैसे निकालेंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, कैसे इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मैं बोलूंगा कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर होता है, क्योंकि मेरे पास a माइनस बी की वैल्यू मैं डायरेक्ट पुट नहीं कर सकता हूं, तो प्लस है, मुझे लाजमी प्लस और मल्टीप्लाई वाली वैल्यू लानी है। a माइनस बी का होल स्क्वायर हमने छोटी क्लासों में सीखा है कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला समझ आ गया। अब इसमें से मैं क्या निकाल सकता हूँ कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ पर क्या है ए स्क्वायर, यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि प्लस बी स्क्वायर, ये बी वाली वैल्यू मैंने साथ में लिख दी, क्यों, क्योंकि ये दोनों फार्मूला मेरे पास गिवन है, बाहर क्या बच गया 2ab, वो मैंने साइड पे कर दिया। तो अब मैं क्या लिखता हूँ कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या, जल्दी बताओ, ये मैंने निकाली है, वो क्या है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 ए बी ये वाला और एक 2ab ये वाला, तो एक इसका एक ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन बन गया कि आप देखें कि ये सारी वैल्यू किसके बराबर हो गई, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 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 प्लस, लेकिन साइन माइनस का आएगा, और 2ab कितना हो जाएगा 4ab, ये फार्मूला बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ये कैसे देखें, इसका मैं एक प्रूफ दे देता हूँ। आप लोगों ने क्लासों में पढ़ा होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab, ये एक फिक्स फार्मूला है। तो जब मैं इसमें से ये माइनस कर रह जाएगा, ये जब माइनस से लेकर प्लस में मैं वहाँ पे शिफ्ट करूँगा तो ये क्या रह जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये प्लस में ये यहाँ पे आके क्या हो जाएगा माइनस 4ab, और ये माइनस में ये वहाँ जाके क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो वही फार्मूला बन गया, ये है इसका प्रूफ कि अगर आपसे कोई पूछे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, आप उसको बताएं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। आप इसको, ये मैं क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास माइनस नहीं था, मेरे पास प्लस है, प्लस और मल्टीप्लाई है। देखो ये एक ऐसी इक्वेशन बन गई जिसमें आपके पास सिर्फ प्लस भी आ गया और माइनस भी आ गया, प्लस और मल्टीप्लाई दोनों आ गए। अब मैं क्या लिखता हूँ, ए प्लस बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, वो है माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए, और इसके ऊपर क्या है होल स्क्वायर माइनस 4, और ए बी की वैल्यू क्या है सी अपॉन ए, तो बी बी का बी स्क्वायर माइनस ए ए का ए स्क्वायर, 4c को मल्टीप्लाई करो तो 4c और नीचे a, आप दोनों का फिर एलसीएम ले लो, a और a स्क्वायर का एलसीएम लूँगा तो बड़ी वैल्यू एलसीएम आ जाएगी, यहाँ पर b स्क्वायर ऊपर रह जाएगा क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है,
वन आ जाएगा, माइनस ए को ए से डिवाइड करोगे ए स्क्वायर से, तो एक ए नीचे बच जाएगा, उस ए नीचे को जब मैं ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा ये बन जाएगा 4ac. तो ये दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. ये था आपके पास क्वालिटी की इक्वेशन ही है, लेकिन इसमें प्रोडक्ट और सम निकाल रहे थे, और सम और प्रोडक्ट में इसकी मजीद हमने वैल्यू निकाली. नेक्स्ट लेक्चर थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट होगा अल्फा और बीटा के लिए, और आप एक भी वीडियो मिस ना करें, पूरी वीडियो देखें, लेक्चर को देखें और वीडियो को लाजमी देखें. मेरे YouTube चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए. फिर मिलते हैं इंशाल्लाह एक नेक्स्ट लेक्चर के साथ. अल्लाह हाफिज़.